ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 32। यच्छय चौपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम दृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिनके जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो ये है कि वो भगवान का नित्य दास है। सेकेंडली, आत्मा का जो लक्षण है वो ये है कि वो हमेशा सक्रिय रहता है, वो कभी निष्क्रिय नहीं होता है। प्रभुपाद ऐसा बताते थे कि जब एक आदमी बीमार अवस्था में होता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ऐसी अवस्था उसके लिए बड़ी बेचैनी दिला देती है उसके अंदर। कब मैं इस कमरे से बाहर निकलूँगा, कब मैं घर से निकलूँगा, पक गया हूँ, कब बाहर निकलूँ। कई बार लोग बीमारी अवस्था में ही बाहर निकल आते हैं तभी जाके ठीक होते हैं। तो कितनी अजीब सी स्थिति है निष्क्रियता की। तो प्रभुपाद कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा जीव जो हमेशा सक्रिय है वो मृत्यु के बाद निष्क्रिय हो जाए और किसी भ्रम में समा जाए। इज ऑलवेज एक्टिव। सो वन इज दैट जीव इज ऑलवेज एक्टिव। सेकेंड थिंग इज कि जीव क्या है, कृष्ण का नित्य दास है, यानी कि वो एक्टिव रहता है किस काम में, एक्चुअली में भगवान की सेवा करने में। जब जीव हमेशा एक्टिवली एंगेज्ड रहता है, दिस इज अ स्टेज ऑफ परफेक्शन। ये समाधि की स्थिति है। क्या है समाधि की स्थिति, कि जब जीव हमेशा एक्टिव रहे भगवान की सेवा में तो इस परफेक्शन की स्टेज है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को डायरेक्शन की आवश्यकता है। जब कोई सेवा करी जाती है, आप हैं एक्सपीरियंस है संसार का कि सेवा के लिए एक सेवा लीडर चुना जाता है और वो लीडर हमें गाइड करता है कि आपको इस सेवा में ऐसे ऐसे काम करना है, आपको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली टीम, आपका काम है बड़ी बकेट से छोटी बकेट में प्रसाद को ट्रांसफ़र करना, आपका काम है इस प्रसादम की थाली में से चावल देना, आपका काम है छोले देना, आपका काम है ये देना। इस प्रकार से हमें सेवा में एंगेज करा जाता है। ये काम करने का कौन काम करता है, इसको हमारे गुरु काम करते हैं। वो हमें इस प्रकार से सेवाओं में लगाते हैं। शिव विग्रह आराधना नित्यानान श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश चनियुंजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कि वो हमें इस प्रकार से मंदिर के मार्जन में, भगवान के श्रृंगार में, प्रचार कार्यों में लगाते हैं। और उसके लिए अलग अलग लोग समय समय पर हैं, मंजरियां हैं, सखियां हैं, गोपियां हैं, तुलसी महारानी है। हम बोलते हैं सेवा अधिकार दियो कर निज दास। कैसे, हे निवेदन धर सखीर अनुगत करा। कि ये निवेदन हम करते हैं कि हमें सखियों के अनुगत अंडर डायरेक्शन हमें
सेवा में लगाइए, सेवा का अधिकार दीजिए। ये हमारा मुख्य विषय है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन से चले गए, बीमारियों में फंस गए। क्यों? क्योंकि आज तक वो एक्टिव थे और अचानक से उनके जीवन में कुछ पर्पस चला गया, जीवन का इनएक्टिव हो गए। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास असेट है, धन है। जैसे हम लक्ष्मण जी का नाम सुनते हैं तो लक्ष्मण का मतलब बताया गया कि ही इज़ वेरी रिच। तो क्वेश्चन आता है कि अपने भाई का सेकंड बना रहा, भरत को जी चाहे सेकेंडरी, कैसे भी उन्होंने राज्य चलाया, बट ही वॉज अ किंग। ऑल दो उन्होंने किंगशिप को हमेशा सर्वेंट की तरह ही करा, बट वट लक्ष्मण गॉट 14 साल तक सोए नहीं, हमेशा कुटिया बनाने में लगे रहे। कौन सी रिचनेस, हाँ कौन सा लक्ष्मी लक्ष्मण के पास। तब उनकी माँ उनको ये बताती है, आपके पास सेवा का धन है, यू आर रिच इन सर्विसेस। आपके पास हमेशा सेवा है, अनगिनत सेवाएं किसके पास हैं? शेष के पास। शेष का मतलब हमें बताते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेष, वाई अनंत शेष। हाँ, हम कहते हैं ये सेवा आप कर लीजिए, ये सेवा आप कर लीजिए, ये सेवा आप कर लीजिए, ये कौन करेगा, कोई बचा ही नहीं, तो कौन करेगा? शेष, हाँ एक्सेट्रा, रिमेनिंग शेष कहते हैं ना, शेष बची हुई, वो कौन करेगा? अनंत शेष। वो अनंत शेष सेवाएं कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज टू डू एवरीथिंग। कोई मिल गया तो मिल गया, अगर कोई नहीं मिला तो वो खुद ही करेगा। जैसे शीला प्रभुपाद, कोई अगर खाने वाला आने वाला मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं ही बनाऊंगा। बांटने वाला मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं ही बनाऊंगा। बर्तन धोने वाला मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं ही धोऊंगा, ऐसा उन्होंने किया। दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटीज, कि वो इसलिए शेष भी, इसलिए लक्ष्मण भी सेवा के धनी थे, लक्ष्मण इज शेष ओनली। तो अनंत सेवाएं उनके पास हैं, ये धन है हमारा। क्या धन है हमारा? कि हमारे पास भगवान के लिए सर्विसेज हों, जो कि हमारे गुरु परंपरा द्वारा दी गई हो। क्यों? क्योंकि यही निवेदन धर सखिर अनुगत कर, उनके अंडर में रह के हमें सेवा दीजिए, है तुलसी महारानी। बिकॉज यू आर द कोऑर्डिनेटर ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द ओकेजन। वृंदा महारानी इज अ कोऑर्डिनेटर, इज और क्या कहेंगे, ऑर्केस्ट्रेटर, इज डूइंग एवरीथिंग, शी इज डूइंग। तो उसमें वो एंगेज करती हैं, सखियाँ लगी हैं, ग्रुप लगी हैं, तुम प्रसादम देख लेना, ये वाली सखी, तुम ये देख लेना, तुम ये हरियाली देख लेना, ये पेड़ों के ऊपर बादल लाने का काम तुम्हारा रहेगा, बिकॉज कृष्ण लाइक्स दिस। क्योंकि इस मौसम में मोर नाचेंगे, तो मोरों को नाचने का काम तुम्हारा, तुम्हारा काम बनाने का, तुम्हारा काम ये कबूतरों और क्या, व्हाट इज दैट, तोता, तोतो, तुम्हें उड़ना है यहाँ से, एकदम लाइन बना के हरा 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 हरा, लाल लाल चोंच। जैसे ही कृष्ण राधा के पास आएंगे, तुम्हें एकदम से फुर करके उड़ जाना है। वो एक एक सेकंड को प्लान कर रही है, कैसे कैसे कौन से फूल को आप खिल जाना है अचानक से। सो इसलिए वो हमें सेवा में लगाएंगी, लेकिन उस सेवा के लिए एक समस्या है, क्या? कि एक सेवा लीडर बना दिया है जो हम पे हुकुम चलाएगा। हम चाहते थे डायरेक्टली कृष्ण को कुछ देना, लेकिन अब क्या करें, मेरे को दे दिया है। वो जो फूल खिलेगा ना प्रभु जी, उस फूल के नीचे गुड़ाई करनी है मुझे, बताइए। फूल तो कृष्ण को दिख रहा है, कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे उस फूल को देख के, बट हाउ डज कृष्णा नो कि उसके नीचे किसी ने गुड़ाई करी थी, मेरे को गुड़ाई का काम दे दिया है, बताइए। ये लोग सब फ्रंट फ्रंट की सेवा कर ले और हमें पीछे लगा दें, ये क्या है? ये है समस्या। हाँ, ये हमारे हृदय की ईर्ष्या, काम, जो हमें शुद्ध सेवा में लगने नहीं देती है। तो इसलिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, सो मोर का आवाज आनी शुरू हुई है। तो भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं। कौन सुखी हैं? जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर मिलते हैं। वो लोग बड़े सुखी हैं जिन्हें सेवा करने का अवसर मिलता है, जिन्हें बलिदान देने का अवसर मिलता है। नहीं तो कुछ लोग तो अपने गलों को लेके घूमते रहते हैं, कटने का मौका तो दो। सो लाइक भगत सिंह, हम सुनते हैं उनके बारे में, क्या कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वो कह रहे हैं मेरी गर्दन जो है लटकने के लिए फड़फड़ा रही है, लटका दो इसको। मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कितना भयानक वो सीन होगा कि मैं खड़ा हूँ, अब मुझे फांसी पर लटकना है, बस ये मैं मरने वाला हूँ, ये सामने लटक रही है, बस मुझे जाके ऐसे करके क्या हालत है।
तो उस वक्त आंख नाक कैसे हो जाएगी, तो उसके ऊपर काला कपड़ा लगा देते हैं कि देखना ही मुश्किल है उस आदमी को, वो तड़पता हुआ जो मर रहा है, और मैंने वॉलंटरली ये मरने को एग्री किया है, सोचिए। तो इट इज डिफिकल्ट। तो लोग जो है ऐसे गर्दनों को लेके घूमते रहते हैं, लेकिन उन गर्दनों को लटकने का समय नहीं मिलता भगवान के लिए। तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल जिनको भगवान के लिए बलिदान करने का मौका मिलता है, हमें कुछ सेवाओं में लगने का मौका मिलता है। ये सब कुछ भगवान का ही है दिया हुआ हमारे पास, लेकिन समाव में लगता है हमारा है, तो हम उसको इंजॉय करना चाहते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जिनको इस धन को, तन को, व्हाटएवर, भगवान की सेवा में लगाने का मौका मिलता है, वो भी गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हुए। ऐसे मौके जीवन में बड़े कम आते हैं, वो मौका आएगा और चला जाएगा हमारे जीवन से, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। अर्जुन तुम्हारे जीवन में ऐसे हो जाएगा, राइट नाउ यू आर फाइटिंग फॉर मी, आपको इससे सब कुछ मिल सकता है। हाँ, अगर आप मरोगे तो आपको ये मिलेगा, जीतोगे तो ये मिलेगा, भगवान बताएंगे। सो बता रहे हैं वो क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। सो व्हाट इज द, इसमें क्या सुख बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू सर्व। जो भी व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी टू सर्व को प्राप्त करता है वो बड़ा सुखी है, लाइक लक्ष्मण। लेकिन सांसारिक दृष्टि से वो आदमी बड़ा दुखी है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लक्ष्मण के पास देखा जाए तो, नहीं कुछ मिला पहले, बाद में बदनामी और मिली। सीता माँ ने एक बार सुना भी दिया, मुझे भोगना चाहता है, ये सुनाया सीता माँ ने, तभी नहीं जा रहा यहाँ से। बताइए क्या शब्द कैसा लगा होगा लक्ष्मण को कि मुझे भोगना चाहते हो तुम, तब जाऊँगा आपके कहने पर जाऊँगा। ऐसा ये सब चीज़ें उनके जीवन में आई, एंड लक्ष्मण की बात हम याद करते हैं हमेशा, अनंत शेष की बात हम करते हैं। सो इज़ वेरी सुखी जिस व्यक्ति के पास सेवा की अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सब कुछ है हमारे जीवन में। ये चली गई तो चली गई, सब हमारा जीवन चला गया, वेस्ट हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में युद्ध करने का ये अवसर आया है। जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर मिलते हैं अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार भी खुल जाते हैं। हायर रेल्स में, हायर लोकों में जाना है यदि, अगर जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन कौन जाएगा वहां पर, एलिजिबिलिटी क्या है जो इस प्रकार से अपने जीवन को बिताएगा, चाहे मैटीरियल हिसाब से वो बलिदान दे, लाइक भगत सिंह। तो भगत सिंह कहाँ गए होंगे, स्वर्गलोक में, डेफिनेटली। हम लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, गोलोक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि कोई अपना गर्दन दे दे, अपना जीवन दे दे, तो उससे भी ज़्यादा इसका मतलब है। तो उससे भी ज़्यादा करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, जैसे अर्जुन को बोला जा रहा है तुम ये काम अब भगवान के लिए करो, बस ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि दिस इज मोर हायर देन दिस, कि हम भगवान के लिए इसको करें। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग के द्वार का, बाद में स्वर्ग किसने देखा है, अब ये अगर आप चर्चा करने लग जाओगे तो फिर, तो फिर तो यही क्वेश्चन है कि 25 साल के जीवन पढ़ाई लिखाई में क्यों लगाना है, वो भी तो बाद में देखा जाएगा। नहीं, जीवन कितनी तेज़ी से बदल रहा है, बाय द टाइम आपने बीटेक करी, CSE आपने कोई C++ करी, तब तक पता लगा कोई लैंग्वेज ही बदल गई, आपका करियर ही बर्बाद हो गया पूरा। अचानक से जिन लोगों ने 2019 के दौरान बीटेक किया था माना, उनका जीवन ही, मैंने देखा कितने ऐसे लोग हैं वो कुछ कर ही नहीं पाए उसके बाद, क्योंकि 3-4 साल घर में बैठे रहे, तब तक नई क्रॉप्स आ गई, नए बीटेक आ गए, जिन्होंने हायर किया उन्होंने किसको हायर किया, नए लोगों को किया। वो 4 साल पुराना आदमी है, तो कौन जानता है कि हमारे 20-25 साल की मेहनत का फल क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। यहाँ स्वर्ग किसने देखा है, कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा आपका अगर आप ऐसे बलिदान करोगे और भगवान के लिए इस सेवा के मौके को ले लोगे, विदाउट थिंकिंग इससे मेरा क्या लाभ होगा, इससे ये नुकसान होगा, मेरा ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये मर जाएंगे तो स्त्रियाँ ऐसी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा, बोलो ये सब जिम्मेदारी किसकी है, ये सब जिम्मेदारी कृष्ण की है। आप इस सब के बारे में मत सोचो कि सारे मुर्गे बच जाएंगे तो या मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे, वो मुर्गों को, बकरों की पॉपुलेशन को संभालना मेरा काम है, सारे लोग भगवान के धाम जाएंगे तो ये GDP कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा, वो काम भी मेरा है, तुम्हारा काम नहीं है। ये संसार की मैनेजमेंट मेरे पास में है, आप क्या कीजिए, मेरे कहे अनुसार कार्य करते रहिए, सेवा की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिए। जब हमें कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस हो जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उफ, उतनी देर में क्या होता है, दूसरी भी निकल जाती है।
तो इसलिए हमेशा सतर्क रहना है। जैसे मिस हो गई तो नज़र नहीं हटानी है, दूसरी आएगी। हाँ, ये ऐसे नहीं इतनी देर में दूसरी निकल जाएगी, तो ऐसे जा रही है तो गई, उसको छोड़ दो, अब दूसरी को देखो, उस पर अटैक करो। यही बोला था ना अर्जुन को, क्या दिख रहा है तुम्हें, टारगेट क्या तुम्हारा, चिड़िया दिख रही है, क्या दिख रहा है। तो इस प्रकार से सेवा की अपॉर्चुनिटी को गायब करना चाहिए। हमें लगता है कि सेवा करना नुकसान है, या सेवा इसलिए करनी है कि जब कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना भी पड़ेगा, इसलिए करना है, तो मैंने इतना कर दिया इसके लिए, इसके बदले मुझे इतना मिल जाएगा ना, इतना प्रसाद बांटूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा ना। सो दैट इज़ अवर प्रॉब्लम। हम समझ नहीं पाते हैं कि सेवा रियल क्या है, धन है, लक्ष्मण का मतलब हमने बताया। तो वही भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षत्रिय में होने का, क्षत्रिय होने का मतलब ही यहीं पर है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी। सो वट एवर, इम्पॉर्टेंट इज कि भगवान और गुरु के अंतर्गत कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी मिले तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन है, उसको बस पकड़ लो, उसको जाने मत दो। यही अर्जुन को उन्होंने समझाया। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।